Next topic, I am going to discuss this boolean function implementation using mux. ठीक है, तो इसको हम through an example explain करेंगे. Function is of three variable f a b c is equal to 1 2 6 7. ठीक, तो जब भी हम इसको mux से draw करेंगे तो दो तीन method हो सकते हैं. In this example हमारे पास 1 2 7 1 2 6 7 है और number of variables यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं variables. तो वी कैन इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग 8:1 मक्स, वी कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग 4:1 मक्स और वी कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग 2:1 मक्स. वी हैव ऑप्शन कि हम तीनों से कर सकते हैं. क्वेश्चन आपका कुछ भी गिवन हो सकता है कि इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग 8:1 मक्स और यूजिंग 4:1 मक्स और यूजिंग 2:1 मक्स. ठीक, तो फर्स्ट मैं सबसे ईजिएस्ट जो है वो ड्रॉ करती हूँ यूजिंग 8:1 मक्स. ठीक है, 8:1 मक्स. For this mux, number of inputs 8, number of output 1, selection lines, number of select line 8 can be written as 2 to the power 3, means ki n ki value ho gayi 3, to selection line kitni ho jayengi 3. Theek hai, diagram aapka. S0, S1, S2. This is 8:1 mux. One output Y. I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. These are 7 outputs. Now, क्वेश्चन में आपका क्या फंक्शन गिवन है, 1 2 6 7. 1 2 6 7 मींस कि इन कॉम्बिनेशंस पे आपकी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, हाई मीन टर्म, बिकॉज दिस इज अ सॉप फंक्शन. तो हम लिखेंगे 1, फिर क्या है 2, देन 6, देन 7. इन तीन चारों को लेके हमने शॉर्ट किया. ठीक है, इसको आइदर यू कैन कनेक्ट विथ 1 और यू कैन राइट प्लस वी सी सी. डन, जो आपके रिमेनिंग बच गए मींस कि आपके जो लाइंस अनकनेक्टेड हैं, जिन जो एब्सेंट थी वहाँ पे, मींस कि उन पे आउटपुट क्या रही होगी, 0. तो उनका कनेक्शन शो किया दिस और ये कैन, इट कैन बी कनेक्टेड विथ ग्राउंड और 0. ठीक, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग 8:1 मक्स. ठीक, अब सेम क्वेश्चन जब आपको 4:1 मक्स से करना है, मींस कि यू हैव मल्टीप्लेक्सर कौन सा, 4:1. ठीक है, ड्रॉ करते हैं सेम क्वेश्चन यूजिंग 4:1 मक्स. मींस कि यू हैव अ मक्स विथ 4 इनपुट्स, देन I0, I1, I2, I3. ठीक, यहाँ पे ये जो सिलेक्शन लाइंस थी ये आपकी हो जाएंगी ए बी सी. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन लाइंस हैं, ठीक है, ये हो गई S0, ये हो गई S1. अभी मैं हम देते हैं कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा. दिस इज आउटपुट और दिस इज 4:1 मक्स. डन, अब जब भी हम यूज करेंगे आपका 4:1 से, जो कि आपके वेरिएबल से कम का हो, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 3, मींस कि अगर आप तीनों को एज ए सिलेक्शन लाइन लेते हो तो यू कैन इम्प्लीमेंट इजिली बाय यूजिंग 8:1. बट आपके पास कहा जाए कि उसका साइज छोटा करें, मींस कि 4:1 से इम्प्लीमेंट करो दिस फंक्शन को, 4:1 में आपके सिलेक्शन लाइन्स कितनी होती हैं, 2, तो और आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, 3, मींस कि वन वेरिएबल इज यूज एज द इनपुट लाइन, वन वेरिएबल इज यूज एज द इनपुट एंड जस्ट टू वेरिएबल यूज एज द सिलेक्शन लाइन. तो इसके लिए हमें बनानी पड़ती है इम्प्लीमेंटेशन टेबल, इम्प्लीमेंटेशन टेबल. ठीक है, इस एक्सेस पे हम लेंगे इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल. ठीक, इनपुट वेरिएबल हमने चूज जो किया वो हमने लिया ए, लेट हमने लिया ए, तो ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो इट इज ए बार, अगर ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो दिस इज ए. ठीक है, ये हमारा हो जाएंगे फंक्शंस. डन,
अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स कितने हैं, 4, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, ठीक है। इस एक्सेस को हम लेते हैं कि हमारे जो सिलेक्शन लाइन है ये हमारी बी एंड सी है, ठीक है। तो अगर हमारी बी सी की वैल्यू 0 0 होगी तो हमारा आई नॉट सेलेक्ट होगा, 0 1 होगा तो आई वन सेलेक्ट होगा, 1 0 होगा तो आई टू सेलेक्ट होगा, और 1 1 होगा तो आई थ्री सेलेक्ट होगा। डन, ये आपका हो गया, ठीक। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 0 0 0 से यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 0 1 से यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 1 0 is 2, 0 1 1 इज 3। डन, यहाँ पर 1 0 0 इज 4, 1 0 1 इज 5, 1 1 0 इज 6, 1 1 1 इज 7। क्लियर, समझ में आया? मीन्स कि हमें एक रो का टर्म लेना है, देन दो कॉलम्स के, 0 0 0 से 0, 0 0 1 से 1, 0 1 0 से 2, 0 1 1। मीन्स कि ये मैंने कहा 0 लिया रो से, कॉलम से लिया 1 1, तो दिस इज 3, ठीक है। सेम इसी तरीके से सब। अब नेक्स्ट आपका क्या है, अब आपके फंक्शन में जो टर्म्स दे रखे हैं, फंक्शन में आपके क्या दे रखा है, 1 2 6 7, 1 1 को सर्कल किया, 2 2 को सर्कल किया, 6 6 को सर्कल किया, 7 7 को सर्कल किया, ठीक। अब फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगी, यहाँ पर हमारा कोई भी यूज नहीं हुआ, कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, मीन्स कि हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। इफ आपका कोई भी वैल्यू सर्किल नहीं होता है तो हम क्या पुट करते हैं, 0। यहाँ पर आपका जो सर्कल हुआ 1 हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ए बार, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बार। इस वाले क्वेश्चन में आई टू के नीचे आई टू की वैल्यू क्या होगी, 2 एंड 6 बोथ आर सेलेक्टेड, मीन्स कि दोनों रो सेलेक्ट हो गई, ए बार प्लस ए, ए बार प्लस ए से क्या आएगा यहाँ पर, 1। डन, ठीक है। मीन्स कि ये कैसे आया, जब हमने इन दोनों रो को प्लस किया, बिकॉज दोनों रो यूज हो रही हैं, ठीक। इन आई थ्री, आई थ्री की वैल्यू क्या होगी, आई थ्री की कॉलम्स में आपकी जो रो सेलेक्ट हुई है दैट इज ए, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ए। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ इनपुट, मीन्स कि 0 इज इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू है, दिस इज आई नॉट की वैल्यू, दिस इज आई वन की वैल्यू, ये आई टू की वैल्यू, एंड दिस इज आई थ्री की वैल्यू। अब आपके सर्किट में जो चेंज होगा, आई नॉट की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई, 0, हमने लिखा 0, आई वन की वैल्यू क्या है, ए बार, आई वन इज ए बार और आई थ्री इज ए, तो आई थ्री पे पहले हमने ए कनेक्ट किया, फिर आई वन इज ए बार, मीन्स कि इसको एक नॉट गेट के थ्रू अप्लाई करके हमने कहाँ कनेक्ट किया, आई वन पे, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ए बार। अब I2 की वैल्यू क्या है, 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम फंक्शन यूजिंग 4:1 मार्क्स।